नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर नगेंद्र यादव है। आज मैं आपको बताऊंगा कि लव बर्ड्स, फिशर जो लव बर्ड्स होता है उसमें एडल्ट्स और यंग वंस में आप कैसे डिफरेंशिएट करोगे। यानी जब आप किसी बर्ड्स, किसी शॉप पे बर्ड्स परचेस करने जा रहे हो, बर्ड्स वाला आपको ये कह के बेवकूफ ना बना दे कि आपको जो वो है एक यंग वंस का आपको बच्चा दे रहा है और वो आपको कहीं एडल्ट ना दे दे, तो आप कैसे डिफरेंशिएट कर सकेंगे उस कंडीशन में कि जो बर्ड्स आपको दे रहा है वो कि आपका छोटा बच्चा है या एडल्ट है पूरा यंग वंस। सबसे पहले आप बर्ड्स के फीट देखिए, यानी बर्ड्स की जो आप पंजे नोटिस करेंगे। एडल्ट के केस में आप देखेंगे जो बर्ड्स की जो पंजे वाली जो पोर्शन होती है वो बिल्कुल क्लियर होते हैं, उसमें कोई ब्लैक स्पॉट्स या मार्किंग्स नहीं होती। जबकि यदि आपका लव बर्ड्स का बच्चा छोटा होगा तो आप उसको पंजे के ऊपर या पैरों के ऊपर ब्लैक कलर की मार्किंग्स आपको नजर आएंगी। यानी उससे आपके डिफरेंशिएट करते कि आपकी बर्ड्स की एज क्या है, यानी वो एडल्ट है या छोटा बच्चा। दूसरा, बर्ड्स की चोंच के ऊपर जो देखेंगे, बीक के ऊपर एक व्हाइट कलर की सफेद झिल्ली सी होती है। एडल्ट्स के केस में जो सफेद झिल्ली होती है बिल्कुल बारीक सी होती है, जो चोंच के बिल्कुल साथ पतली सी, बिल्कुल बारीक सी आपको नजर महसूस होगी। जबकि यदि वही फिशर लव बर्ड्स का बच्चा आपका छोटा होगा तो आपकी जो चोंच के ऊपर जो झिल्ली होगी काफी चौड़ी होगी या ब्रॉड होगी। यानी एडल्ट के केस में वो जो चौड़ी झिल्ली है सिमट के बिल्कुल बारीक सी हो जाती है। उस फिजिकल अपीयरेंस के आधार पर भी आप फिशर्स में ये नोटिस कर सकते हैं कि आपने जो पक्षी चूज किया है वो एडल्ट है या यंग वंस है या छोटा बच्चा है। दूसरा, फिशर्स के केस में आप बीक्स पे देखेंगे, बीक का जो कलर होता है एडल्ट के केस में जो बीक का कलर होता है प्रॉपर रेड होता है, जबकि यंग वंस में होता है आपको रेड कलर के ऊपर ब्लैक कलर के स्पॉट्स या पैचेस आपको नजर आए। इस तरह से भी आप जो उसमें एडल्ट में और यंग वंस में आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं फिशर्स के केस में। दूसरा, आप उसकी वॉइस क्वालिटी यानी जो पिच होती है, उसकी जो बोलने की क्षमता होती है, एडल्ट की जो वॉइस होती है काफी हाई होती है, लाउड होती है, काफी तेज होती है, जबकि जो यंग वंस की जो फिशर्स में लव बर्ड्स की होती है काफी पतली और धीमी आवाज होती है। उसके आधार पर भी आप डिफरेंशिएट कर सकते हो कि आपने जो बर्ड चूज किया वो एडल्ट है या यंग वंस है।